संतों का आक्रोश भी सामने आ रहा है। संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद और जूना अखाड़े के महामंत्री हरि गिरी जी महाराज ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि भारत सरकार को देश की रक्षा के लिए नागा साधुओं की आवश्यकता पड़ती है तो साधु संत मानव बम बनकर पाकिस्तान पर कहर बरपाने को तैयार है। तन धन जो भी कुछ है वो पहले राष्ट्र का है, उसके बाद राष्ट्र है तो हम हैं, हम हैं तो हमारा धर्म भी। इसलिए ये समझिए, धर्म को मैं धारण किया हुआ हूं, मैं उसको मानता हूं। इसलिए किसी कीमत पे जब सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो जितने भी महात्मा हैं, लगभग कुछ को तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि सब में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौका प्रस्त होते हैं, उनसे किसी प्रकार से कोई कामनाएं नहीं की जा सकती हैं। अगर बाकी बच्चे पर हमें पूरा विश्वास है कि जरूरत पड़ने पे समय दिया जाएगा। ये सब अपने आप को आत्मदाही दस्ता बना के अपने अंदर बम फिट करके पाकिस्तान को नहीं, उग्रवादियों को पूरा मिटाने के लिए तत्पर हैं। वो सिर्फ एक पल इशारा चाहते हैं। वहीं देवानंद सरस्वती ने कहा कि संतों ने पहले भी मुगलों और अंग्रेजों से मोर्चा लिया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एक बार फिर से देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। साथ ही साधु संतों की बैठक में सभी संतों ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत सरकार को अब चुप रहने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। पंचदश नाम जूना अखाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने जो अपील की, मानव बम लगाकर आत्मदाही बनकर पाकिस्तान का खात्मा करने के लिए, मैं पंचदश नाम जूना अखाड़ा का संत होने के नाते, महामंडलेश्वर होने के नाते, मैं उस अपील का समर्थन करता हूं। और अगर भारत सरकार हम संतों को ये छूट देती है तो हम अपने शरीर पर मानव बम लगाकर भारी संख्या में पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगे। और राष्ट्रहित के लिए, प्राणों की आहुति देने के लिए मैंने अपने विचार प्रकट किए हैं, 100% तैयार हूं और मैं क्रांतिकारी विचारों का संत हूं, जो राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए प्राणों की आहुति देता है, उसका जीवन सफल है। यही कहूंगा, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने ये श्वास हो गो राष्ट्र के लिए, ये धड़कने ये श्वास हो गो राष्ट्र के लिए, पुण्य भूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए, भारत माता की जय।